Hello everyone, welcome to Northeast PSC. In this video, I will be discussing a very important topic, that is Wetland and Ramsar Convention. In this video, I will be giving a brief about wetland, what is Ramsar Convention all about, and other factors related to conservation of wetlands. So let's start. My name is Pavan Kamboj and I take History, Current Affairs, and Environment classes. I have done my UGC NET in History and I'm teaching from last 5 years. So let's understand what is wetland. Wetlands or simply a wetland एक ऐसा ecosystem है जो कि पानी से saturated रहता है, जो कि पानी से flooded रहता है, saturated रहता है. ये saturation या तो permanently हो सकता है for years, for decades, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये seasonally ही रहता हो. Seasonally यानी कुछ वीक या मंथ तक साल के ये पानी से फ्लडेड रहता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन फ्री प्रोसेसेस कुछ प्रिवेल करने लग जाती है. तो इस सॉइल का, इस एरिया का कंपोजिशन अलग हो जाता है. ये नॉर्मल ना तो टेरेस्ट्रियल वाला होता है और ना ही मरीन में आप कंसीडर कर सकते हैं. वेटलैंड को माना जाता है सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली डाइवर्स. यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के, रेंजेस के प्लांट और एनिमल स्पीशीज देखने को मिलते हैं. और ये कोई ऐसा यूनिक फीचर नहीं है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिले, ये हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है. और जो वाटर है वेटलैंड में वो फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है या सॉल्ट वाटर हो सकता है. दुनिया के लेवल पर सबसे बड़े वेटलैंड्स की बात करें तो अमेजन रिवर बेसिन, उसमें से सबसे कॉमन नाम निकल के आता है. देन आता है वेस्ट साइबेरियन प्लेन, पैनातल आता है साउथ अमेरिका में, सुंदरबन आता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में. ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है वेटलैंड्स की. देखिए वेटलैंड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है. जो पहला क्लासिफिकेशन आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट प्लांट आता है, कि उस वेटलैंड में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्लांट एग्जिस्ट करता है. तो एक क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं मार्शेज, और एक आपने सुना होगा स्वाम्प. मार्शेज वो वेटलैंड होते हैं जहां पे रीड, कतील या सेजेस जैसे पेड़ पौधे मेजॉरिटी में. स्वाम्प वो होते हैं जहां ट्री हो, श्रब्स हो. तो ये अलग अलग डिपेंडेंस है ऑन द डिपेंडिंग कि कौन सा प्लांट डोमिनेंट है. दूसरा क्लासिफिकेशन इस बात पे भी होता है कि वाटर का सोर्स क्या है. वाटर का सोर्स अगर टाइडल है तो उसको टाइडल या टाइडल वेटलैंड कहते हैं. एस्चुरी वाला है, फ्लड प्लेन वाला है, स्प्रिंग सीप या फैन वाला है, बॉग या वर्नल पॉन्ड है. तो कुल मिला के आप समझिए वेटलैंड में है क्या. देखिए वो अपने आप ही वेट प्लस लैंड. तो दो तरीके की क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, यानी किस तरीके से पानी गीला हो रहा है, किस तरीके से वो सोर्स है पानी का, और दूसरा कौन सा डोमिनेंट प्लांट है. बहुत बेसिक चीज है ये समझना. कई ऐसे वेटलैंड होते हैं जहां पे मल्टीपल वैरायटी होती है, इसलिए उनको क्लासिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनको क्लासिफाई करना. सो रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं. ये क्या, देखिए कन्वेंशन है, ये एसोसिएटेड है विद द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड. अब अभी हमने ऑलरेडी समझा है कि वेटलैंड की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी डाइवर्सिटी है, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है. इसको कन्वेंशन और वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं. इंडिया इसकी एक पार्टी है और इंडिया ने बहुत सारी अपनी साइट्स को रामसर साइट अनाउंस किया ताकि एक प्रोसेस फॉलो किया जा सके उन रामसर साइट को बचाने का, और बचाने के साथ साथ उसका सस्टेनेबल यूज भी किया जा सके. ये साइन हुआ था ईरान के शहर रामसर में ऑन 2 फरवरी 1971. इसीलिए इस डेट को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. 2 फरवरी हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से मनाया जाता है. तो वर्ल्ड वेटलैंड की जो थीम्स हैं, देखिए जैसे 2020 की थीम की अगर हम बात करें तो 2020 की थीम थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, 2021 की थीम है वेटलैंड एंड वाटर, 2022 की जो थीम है दैट इज वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, और 2023 की जो थीम जो आप लोगों को दिमाग में, माइंड में रखनी है, दैट इज वेटलैंड रिस्टोरेशन.
हर साल हर एक बड़ी कोई भी डेट सेलिब्रेशन होता है, उसकी कोई ना कोई थीम होती। तो याद रखिएगा इस साल की है वेटलैंड रिस्टोरेशन। अब रामसर कन्वेंशन की जितनी भी साइट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक मॉन्ट्रेक रिकॉर्ड नाम के एक रिकॉर्ड है, जिसमें जितने भी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जहां पे कुछ इकोलॉजिकल करेक्टर चेंज हो चुका है या हो रहा है या कुछ और पॉल्यूशन है या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या बाकी ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उसको मेंटेन किया जाता है। और ये सब मेंटेन किया जाता है एज पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट, ताकि वो वेटलैंड्स के ऊपर नजर बना के रखी जा सके, उनको प्रॉपर मेंटेन किया जा सके जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स है। जब भी कोई कंट्री कन्वेंशन पे एक्सेप्ट करती है तो उसको कोई ना कोई एक वेटलैंड को अनाउंस करना होता है कि उनके यहाँ का वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया में, अपने डोमेन में से एक एरिया को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सिलेक्ट करना होता है। तो ये जो इंक्लूजन है इससे ये साबित होता है कि गवर्नमेंट जो भी इसमें आना चाह रही है वो अपना कमिटमेंट दे रही है। अभी 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती हैं, और 171 से ज्यादा कंट्रीज हैं और ये नंबर बढ़ते ही रहते हैं। जो पहली साइट रामसर साइट में एंट्री हुई थी दैट इज कोबोर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा अगर रामसर साइट्स की बात करें तो यूके में 175 है एंड मेक्सिको में 142 है। ये साइट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूचर में कम ज्यादा हो सकती है। बोलोविया के पास सबसे ज्यादा एरिया है अंडर रामसर प्रोटेक्शन। देखिए रामसर वेटलैंड का क्राइटेरिया क्या है, कोई भी रेयर एरिया है, कोई भी ऐसा एरिया है जो यूनिक एग्जांपल है नेचर और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का, उसको कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ उसमें वल्नरेबल इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज होनी चाहिए, कोई ऐसा पेड़ पौधा उस एरिया में होना चाहिए, कोई ऐसा जानवर होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है उस एरिया की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। लगभग 20,000 से ज्यादा उस एरिया में वाटर बर्ड्स होने चाहिए। 1% ऑफ इंडिविजुअल है वो एक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के या सब स्पीशीज के वाटर बर्ड के। तो इसके ये क्राइटेरिया है तभी अनाउंस किया जाता है कि हाँ जी हम इसको रामसर की साइट मान रहे हैं। तो ये 9 क्राइटेरिया है, उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि ये जो वेटलैंड है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द फूड ऑफ फिश, स्पॉनिंग ग्राउंड है, नर्सरी है, माइग्रेशन पाथ है जहां पे फिश स्टॉक सरवाइव करते हैं या डिपेंड करते हैं। तो इसके 9 क्राइटेरिया अगर कोई साइट फुलफिल करती है या उनमें से कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो उसको रामसर की लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल वेटलैंड की बात करें तो इंडिया में टोटल वेटलैंड है 1,243। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का आंकड़ा है जिसमें से टोटल रामसर वेटलैंड आते हैं 75। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो सिग्निफिकेंट वेटलैंड है उनका नंबर 115, और इसको मेंटेन करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कुछ नई साइट्स भी जोड़ी गई हैं पिछले सालों में, टोटल 75 साइट एग्जिस्ट करती हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट से आती है दैट इज तमिलनाडु जहां से 14 रामसर साइट्स आती हैं। इस मैप में जो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है दैट इज रामसर साइट्स, जो लाइट ग्रीन दिख रहा है ये है सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स। सबसे बड़े की बात करें तो सुंदरबन वेटलैंड सबसे बड़ा है और पहली साइट जो इंडिया ने दी थी दैट इज चिल्का लेक ओडिशा और कोयलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। सबसे स्मॉलेस्ट लेक में आता है रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश और वेम्बानूर तमिलनाडु। कुछ नई साइट्स ऐड हुई हैं जैसे तंपारा लेक, हीराकुड रिजर्व और अंसुपा, ये उड़ीसा से हुई हैं। यशवंत सागर मध्य प्रदेश से हुआ है, चित्रांगुड़ी, सुचिद्रम, वद्युयार, कांजीराकुलम बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु से आए हैं। थाने क्रीक ये महाराष्ट्र से है, हाइगम वेटलैंड और शालबुग जम्मू एंड कश्मीर से है। देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल एक और अलग से एनजीओ है जो कि अपने लेवल पे काम करता है। इसको 1937 में बनाया गया था एज इंटरनेशनल वाइल्ड फूड इंक्वायरी और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसका स्कोप बढ़ता गया
इसको वाइल्डलैंड इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, और ये एक एनजीओ है। इसका काम है सस्टेन करना और रिस्टोर करना वेटलैंड को, और उनके रिसोर्सेज को रिस्टोर करना, सस्टेन करना, ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके। ये एनजीओ में अभी 100 से ज्यादा अलग अलग देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, ये एनजीओ है और रामसार वाला इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, दोनों में फर्क होता है। क्योंकि वेटलैंड बहुत सारी डाइवर्सिटी को बचाते हैं, इसीलिए वहां पे बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, इसलिए उनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, दैट इज रामसार। तो रामसार ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। देखिए, ये नेचर में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे लिए एक सिग्नल का काम करते हैं। उसी में वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर, एक सिग्नल है। तो ये था वेटलैंड के बारे में एक बेसिक आइडिया, रामसार कन्वेंशन के बारे में एक बेसिक आइडिया। सबसे पहले इंडिया में से कौन सी साइट चुनी गई, कितनी साइट्स टोटल हैं, सबसे ज्यादा कहाँ से आती हैं, ये सारे फैक्ट्स को हमने डिस्कवर किया, ये सारे फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। ऐसी बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट बीएससी को। थैंक यू एवरीवन।